हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी मास्टर माइंड। मैं हूं आपका दोस्त बलराम मीणा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की जो LEC की वैकेंसी है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये जो सिलेबस है, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो सिलेबस वो सिलेबस राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सिलेबस है पेपर वन मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर वन जो है, पेपर वन सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, जनरल नॉलेज से, ठीक है। इसमें पेपर वन में सामान्य ज्ञान होगा, दैनिक विज्ञान होगा और गणित भी होगी। तो देखिए इसमें क्या 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 सामान्य ज्ञान में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान में जो है आपको सामयिक मामले, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास के बाद में आता है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का औद्योगिक विकास, उसके बाद में आता है दैनिक विज्ञान वाला पार्ट, जनरल साइंस वाला, एवरीडे साइंस वाला पार्ट जो है वो आ गया है। उसके बाद में आता है गणित यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट। इन सभी टॉपिक्स से आपको आपके जो फर्स्ट पेपर है उनमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में जो है वो फर्स्ट पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का जो है, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यानी कि कितने क्वेश्चंस इसमें होंगे तो वो है 150 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। 150 क्वेश्चन से आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ पेपर, तो आपको जो टाइम कितना है, टाइम आपके इस इन पेपर को हल करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे यानी कि 3 घंटे आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो यानी कि सभी क्वेश्चंस जो है वो इक्वल मार्क्स रखते हैं, सभी बराबर बराबर मार्क्स के होंगे। उसके बाद में है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये था अपना जो फर्स्ट पेपर था उसका सिलेबस था। फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज का होगा, ये अपन को पता चल गया है। जनरल साइंस, जनरल GK का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा। और सामान्य ज्ञान में इस फर्स्ट पेपर में आपको सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के टॉपिक मिलने वाले हैं। चलिए अब अपन दूसरे पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की तरफ से ये पेपर फेज 1, पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है सिर्फ जनरल हिंदी और इंग्लिश ही आपको यहाँ पर इस में मिलेंगी। इस क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी के होंगे और 75 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के होंगे। फिर उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ पेपर, तो 3 आवर्स 3 घंटे का टाइम है। और ऑल क्वेश्चंस के लिए इक्वल मार्क्स यानी कि सारे क्वेश्चंस जो है बराबर बराबर मार्क्स रखेंगे होंगे। और उसके बाद में है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस था ये अपना लेटेस्ट सिलेबस था। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।